अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से मेरे स्टाइल में जर्दा। बराबर आते बराबर। तो जैसे कि 11वीं शरीफ का महीना स्टार्ट हो चुका है, तो जैसे कि बहुत लोगों के घर में जैसे कि फातिया वगैरह दिलाने के लिए मीठी चीजें बनती है, तो आप लोग जर्दा भी बना सकते हैं। और अगर आप लोगों को मलिदे की वीडियो देखनी है तो मेरी आईडी में मौजूद है, वो भी आप देख सकते हैं। आसिफ तो लिंक किधर डालेगा? आई बटन में ऊपर आ जाएगा। आई बटन में आसिफ डाल लेगा। मैं पहले डिप्रेशन बोलती थी, अभी आसिफ बता दिया कि आई बटन बोलने का है ना। तो जैसे कि तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मगर बनाने से पहले मैं कुछ बातें करना चाहती हूँ आज आप लोगों के साथ में। एक दिन मैं सोच रही हूँ ना कि एक दिन पूरा जैसे कि जो मुझे बोलते हैं ना, बहुत सारी कमेंट करते हैं। हाँ। जो वो कौन कमेंट करते हैं जो मुझे ऐसे, तो मेरे तो बहुत फैमिली बहुत बड़ी है, मगर वो फैमिली में ना, फैमिली में देखे ना, ये फैमिली में हो गई या लाइफ की फैमिली में हो गई, कोई ना कोई तो नाम रखने वाले रहते ही है, रहते हैं बराबर। है ना। हाँ। अब जैसे कि अपनी पर्सनल फैमिली में रहते हैं, अपने घर हाँ, में, हाँ। वैसे ही होता है। ये फैमिली भी है ना, इसमें भी कोई ना कोई नाम रखने वाले है। तो जो पर्सनल फैमिली वाले रहते हैं तो उनको तो मुझे क्या करना है, वो तो मैं कर देती हूँ बरोबर से। हाँ। अभी इधर पे जो मेरी फैमिली है ना, मेरे कि उन लोगों को मुझे बोलना है। तो एक दिन मैं बैठने वाली हूँ, सारा क्या बोलते हैं पिटा कमेंट लेके, कमेंट लेके, जो गलत कमेंट, जो नाम कमेंट रखते हैं उन लोग नाम के लिए। रखते हैं, क्योंकि बहुत मुझे बोलते हैं कि आपने दुपट्टा नहीं हो रहे, ऐसे नहीं किए। तो मैं सबसे पहली बात तो ये कहना चाहती हूँ कि आप जो गलत कमेंट करते हैं उन लोगों को बोल रही हूँ हाँ मैं, कि आप लोगों को दूसरे की लाइफ में दखल अंदाजी करना नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से ये गलत है। सही बोली ना आपने, बराबर है। ये बहुत ही गलत है। उनकी लाइफ है, मेरी लाइफ है, चाहे मेरी हो या किसी और की हो, ये उनकी लाइफ होती है। उनको जैसे जीना है वो वैसे जी सकते हैं। और ये नहीं कि मैं घर में दिखाने के लिए दुपट्टा होती हूँ और बाहर जाती हूँ तो अपना फैशन से जाती हूँ। सही बात बोले तो मैं बहुत फैशन वाली हूँ, बहुत ही। मैं जीन्स और टी शर्ट के सिवा तो कपड़े पहनती ही नहीं थी। सही बोली ना आसिफ। सही। और दुपट्टा वगैरह तो मैं ओढ़ती भी हूँ, नहीं भी होती हूँ। मैं जैसे कि अपने हिसाब से रहती हूँ, जैसा मैं ड्रेसिंग करती हूँ वो हिसाब से मैं दुपट्टा मुझे ओढ़ना है, ये ड्रेस पे ओढ़ना है या नहीं ओढ़ना है, ऐसे रहना है। मैं जैसे कि क्या बोलते हैं फैशन के हिसाब से। हाँ, फैशन के हिसाब से हमें अपना लुक चेंज करते हैं। लुक को चेंज करती हूँ। अभी रही किचन में, जब मैं काम करती हूँ तो मैं वो टाइम पे नाइटी पे रहती हूँ, दुपट्टा ओढ़ती हूँ। चलो दुपट्टा ओढ़ती हूँ, मैं तो नहीं ओढ़ू दुपट्टा, मगर चलो फिर भी मैं सोचती हूँ कि चलो हम खाना पकाते हैं तो दुपट्टा हमारे सर पे या आंख पर होना चाहिए। मगर इसका मतलब ये नहीं कि मैं सब कुछ मैं फैशन वाली नहीं, मैं बहुत फैशन वाली हूँ। और एक दिन ये चीज मैं आप लोगों को भी जरूर बताऊंगी कि मैं कितनी फैशन वाली हूँ। तब ये सब बातें मैं एक दिन आराम से करूंगी आप लोगों के साथ में। इसका एक पर्सनल वीडियो बनाएगी, पर्सनल वीडियो बनाऊंगी, क्यों आपको भी समझ में आएगा कि आप कैसे है करके। तो चलिए अभी हम रेसिपी बनाते हैं, ये सब बातों को बाजू में रखते हैं। चलिए मेरे साथ में। तो ये मैंने आधा किलो सेला राइस ली हूँ, इसे गोल्डन राइस भी बोलते हैं। और जैसे कि जर्दा जो होता है ना, वो सेला राइस में ही बनता है। तो ये मैंने आधा किलो ली हूँ और इसे मैंने कम से कम 2 घंटा भिगो के रखी थी। पहले मैंने इसे 4 से 5 पानी से अच्छी तरह से धो ली हूँ, उसके बाद में मैंने इसे भिगो के रखी। तो ये अभी अच्छी तरह से रेडी हो चुका है, तो इसे मैं एक साइड में अभी रखूंगी और बाकी के सारे सामान आपको बता देती हूँ। तो जैसे कि आधा किलो चावल ली हूँ मैंने, तो मैं आधा किलो ही शक्कर लेऊंगी। आखिर आधा किलो को क्या बोलते हो? 500 ग्राम। हाँ, 500 ग्राम चावल, 500 ग्राम शक्कर, एकदम बराबर को बराबर ही आपको लेना है। अगर आप 1 किलो चावल ले रहे हैं तो 1 किलो शक्कर लीजिए। अभी ये है कुछ ड्राई फ्रूट। तो ड्राई फ्रूट में मैंने ली हूँ बादाम, इस तरह से कटिंग कर लेंगे। काजू, काजू मैंने टुकड़ा काजू ली हूँ थोड़े से। किशमिश, चेरी और ये सूखा खोबरा यानी सूखा कोकोनट, इसे मैंने इस तरह से कटिंग कर ली हूँ। ये चेरी मैं ऊपर से सजाने के लिए डालूंगी और ये थोड़ी सी चेरी मैंने ली हूँ इसके अंदर ही मतलब डालूंगी। और ड्राई फ्रूट जो है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं, कम या ज्यादा भी आप कर सकते हैं। अगर आपको ड्राई फ्रूट नहीं डालना है तो आप सिर्फ सूखा खोबरा भी डालकर बना सकते हैं।
आधा चम्मच इलायची पाउडर, और ये बगास देने के लिए मैंने 4 से 5 इलायची ली हूँ, 4 से 5 लौंग और 3 दालचीनी के टुकड़े, इससे हम बगास देंगे। केवड़ा एसेंज जाएगा इसके अंदर और हमें लगेगा घी, तो आपको जो ब्रांड का घी पसंद है वो आप यूज कर सकते हैं। ये इस घी में ही बनाइए, डालडे में मत बनाना तो अच्छा नहीं लगेगा, घी में बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा लगता है। 100 ग्राम मैंने खोया खोआ ली हूँ, हाँ बराबर बोली ना। बराबर। हाँ, तो चलिए अभी बनाना स्टार्ट करते हैं। आवाज के साथ वीडियो बना रही है ना, तो चलिए अभी मैं ले लेती हूँ इस पे पानी। हाँ, मैंने फूड कलर नहीं निकाली, फूड कलर निकालना भूल गई, तो अभी मैं फूड कलर निकालूंगी, इसमें डालूंगी। तो जैसे कि अगर आपको अगर जो फूड कलर पसंद है वो आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि बहुत लोग ना एकदम लाल में भी बनाते हैं, और लाल कौन सा रहता है देखो, रेड फूड कलर, रेड फूड कलर येल्लो में बनाते हैं, येल्लो में बनाते हैं ना, आपको कौन सा पसंद है? तो मैं किस में बनाऊं, जो तुम्हें कलर अच्छा लगे। येल्लो में बनाऊं? तो चलिए इधर पे मैं गैस जला देती हूँ और उसके ऊपर रखती हूँ एक टोप। अभी ये टोप में मैंने कम से कम 3 से 4 लीटर पानी ली हूँ, जैसे कि 4 लीटर पानी ली हूँ, समझ जाइए। मैंने आधा किलो चावल के लिए मैं 4 लीटर पानी यूज कर रही हूँ। अगर आपको जैसे कि पानी का जजमेंट नहीं आ रहा है कि आधा किलो चावल के लिए हमें कैसे 4 लीटर पानी का जजमेंट लगाए, तो इस तरह की आपके पास में कोई बाटली होगी फ्रिज में वगैरह, या आप यूज करते रहेंगे, या कोई भी पानी की बाटली होती है ना, वो पानी से आप 4 लीटर पानी यूज कीजिए। ये हमारी 1 लीटर की बोतल है, 1 लीटर की ये बाटली है ना। स्पेस में डालेंगे, ये कौन सा कलर आते हैं? रेड फूड कलर, रेड है क्या, ऑरेंज है, जो कलर ऑरेंज है दिख रहा है मुझे। ऑरेंज है। तो अभी मैंने इसमें कलर डाल चुकी हूँ, ये है ऑरेंज, रेड कलर है ना, हाँ इसे रेड कलर भी बोलते हैं, इसे ऑरेंज कलर भी बोलते हैं। जैसे कि ये अपने डालने के ऊपर रहता है, अगर आप इसे ज्यादा डालेंगे तो ये एकदम डार्क हो जाएगा, अगर हाँ कम डालेंगे तो ये लाइट हो जाएगा, बराबर बराबर ना। इसके लिए इसको बहुत लोग लाल कलर भी बोलते हैं, कुछ लोग ऑरेंज कलर भी बोलते हैं ना। तो ये मैंने कितना डाली हूँ, ये मैंने कम से कम आधा चम्मच डाली हूँ, क्योंकि हमें थोड़ा एकदम जैसे कि हल्का सा लाल कलर दिखना होता है, एकदम ज्यादा भी नहीं एकदम कम भी नहीं है ना सिर्फ। बराबर। तो चलिए अभी हम इसे मिक्स कर लेंगे और इसे अच्छे से एक उबाल आने देंगे। तो चलिए अभी पानी को मैंने उबालने के लिए रख दी हूँ, और सारी चीजें तो आप लोगों को बता दी, आप लोगों के समझ में तो आ ही गया रहेगा। तो जैसे कि मेरा जो वीडियो होता है ना, सिर्फ रेसिपी नहीं होती है, रेसिपी एंड ब्लॉग ब्लॉग होता है, और यही जो है ना लोगों को या सबको पसंद भी आता है रेसिपी एंड ब्लॉग करके, तो देखने के लिए पब्लिक जो है ना, सब लोग जो है ना काफी इंटरेस्ट से देखते हैं, मजा आता है। और जैसे कि अभी पानी में तो उबाल आ रहा है, वैसे मेरे अंदर भी काफी उबाल आ रहा है बोलने के लिए। तो जैसे कि अभी अगर मैंने कहा कि अरे मैं फैशनेबल हूँ करके, तो अभी क्या बहुत लोग क्या बोलेंगे, आप तो बोलते हैं मैं बहुत सिंपल हूँ। तो सिंपल मैं अपने घर में रहती हूँ, अगर मुझे कहीं पर आना है जाना है, या किसके शादी में जा रही हूँ, या किसी के फंक्शन में जा रही हूँ, किसी के बर्थडे में जा रही हूँ, या मेरे हस्बैंड के साथ या मेरी फैमिली के साथ मैं घूमने जा रही हूँ, तो वो टाइम में तो मैं तैयार होकर ही जाऊंगी ना, मेकअप करूंगी, अच्छे कपड़े पहनूंगी, अच्छे से जाऊंगी, है ना आसिफ? बराबर। ऐसा तो नहीं ना कि मैं घर में अगर मैक्सी पहन कर रहती हूँ, घर में दुपट्टा बांध कर रहती हूँ, तो मैं बाहर भी वैसे ही जाऊँ, नहीं, वैसे भी वैसे ही दुपट्टा ओढ़ कर ही जाना चाहिए, ये भी बात सही है, मगर वो सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है ना, जिसको अपनी मर्जी से जैसा जीना है वैसा इंसान जिएगा ना, सही बात है। आप लोग मुझे सिखाओगे या आप लोग मुझे के किसी और को भी सिखाओगे, तो वो क्यों आप लोगों को सुनेंगे आप लोग? मगर जब आप लोग गलत बात कर रहे हो, गलत बोलते हो, अरे इतनी बातें गलत होती है, इतनी बातें गलत बोलते हैं, अभी मैं इग्नोर भी करती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कोई चीज को इग्नोर नहीं करती हूँ, मगर कोई कोई बातें ना हद से ज्यादा यानी सर के ऊपर चली जाती है। इंसान बर्दाश्त करने की उतना ही बोलो कि कोई बर्दाश्त कर सके,
बोली ना आतिफ, सही बोले। इतना मत बोलो कि मैं हद पार हो जाऊं और मैं आपको बोलने लगूं, तो वो भी तो अच्छी बात नहीं है ना। नहीं बात बोलने ना, सही मैं बोले। अगर कुछ गलत बोली तो आप लोग भी कमेंट में बोलो, ऐसे तो कमेंट में बहुत कुछ बोलते, मगर ये आज की जो बात है मेरी सिर्फ उन लोगों के लिए जो मुझे हमेशा हर चीज की नसीहत देते, कहीं ये ऐसा क्यों किए, उल्टे हाथ से खाना चम्मच क्यों मारते, सीधे हाथ से क्यों नहीं मारते, तुम उल्टा हाथ क्यों यूज करते, तो उल्टा हाथ गंदा होता है, तो क्या इसे क्या हम अपने शरीर से अलग कर देंगे, जब जो जरूरत को लगाए जरूरत के समय इसको लगा लेंगे और बाकी टाइम पे अलग करके रखेंगे। ये तो लेती है ना, हाथ तो अपना ही ना, और मैं लेटती हूँ, मैं लिखती भी हूँ अपना नाम तो उल्टे हाथ से ही लिखती हूँ। और दूसरी बात, मैं ये साइड में खड़ी रहती हूँ, ये साइड मेरा सीधा है, ये साइड में आसिफ खड़ा रहता है, और ये साइड में मेरा उल्टा हाथ है, ये साइड से ही मैं चम्मच मारती हूँ। अगर ये साइड से मैं चम्मच मारूंगी तो वीडियो शूट नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरा किचन ये साइड से ऐसा क्रॉस में, हाँ। ये साइड से मैं चम्मच मारूंगी तो ये साइड में आसिफ को शूटिंग करने के लिए नहीं आएंगे, बोलो, तो इसके लिए ये हाथ से मैं चम्मच मारती हूँ ऐसा होके, तो इधर से आसिफ शूट कर पाता है। इतनी चीजें आप लोगों को मुझे समझानी पड़ती है, शायद ही मैं घर में भी किसी को इतना समझाती रहूंगी, इतना बताती रहूंगी, तो सब समझ जाते हैं। हाँ, तो इसीलिए मत बोलिए किसी को। सबसे पहले तो सबसे बड़ा गुना ये है, हम तो गुनहगार है, हमारा जो गुना है वो तो हम हमारे कब्र में हम ही भुगतेंगे, कोई आने वाला नहीं है हमारे साथ में, मगर सबसे पहले तो दूसरे की जिंदगी में दखल अंदाजी करना, दूसरे को बुरा बोलना, दूसरे पे उंगली उठाना, ये सबसे बड़ा गुनाह है, दूसरे की गीबत गाना। दूसरे की गीबत गाना। आप लोग जो मुझे बोलते हो ना, ये मेरी गीबत गा रहे हो, आप लोग मुझे बुरा बोल के, मैं आप लोग जो अच्छा काम कर रहे हो ना उसका सवाब मुझे मिल रहा है, और मैं जो बुरा काम कर रही हूँ ना वो गुनाह ना सब आप लोगों के खाते में लिखे जा रही है। सही बोली ना, बराबर। इसीलिए प्लीज, मैं अपने नहीं बोल रही हूँ, मैं आप लोगों के लिए अच्छे के लिए बोल रही हूँ, कि मत बोलो ऐसा, मत किसी के, मेरे बारे में नहीं किसी के बारे में भी कुछ मत बोलो, जो जैसी जिंदगी जीता उसको वैसी उसकी जिंदगी जीने दो, आपको नहीं पसंद आता है आप उनको मत देखो, उनको हटा दो, उनको अनफॉलो कर दो, मगर किसी को बुरा बोल के आप क्यों गुनहगार बनते हो। वो तो पूरा देखते हैं वीडियो देख के, एक एक बारीक चीज बोलते हैं, जो हम लोग को भी ध्यान नहीं रहता है। हर चीज छोटी छोटी चीज पे आप बोलते हो गलत है। तो ये देखिए पानी में अभी अच्छी तरह से उबाल आ चुका है, अभी ये जो राइस है ना वो हम इसमें डाल देंगे, आराम से सारा राइस हम इसमें डालेंगे। इसे हम पका लेंगे अच्छी तरह से, गैस गैस को हमें एकदम फास्ट पे ही रखना है, स्लो पे नहीं रखना है। एक बार इसे अच्छे से हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे, ये देखिए ना हल्के हाथों से मिक्स कीजिए, और राइस को हमें पूरा पका लेना है, यानी 90%, 90% हमें राइस पका लेना है, और बाकी का 10% 10% दम पे वो, दम पे पक जाएगा राइस, हाँ, है ना, दम पे मतलब शक्कर, ड्राई शक्कर फ्रूट पानी, वगैरह। हाँ, हाँ उसमें पक जाएगा आराम से। तो चलिए चेक करते हैं। ये देखिए चावल जो है ना, जोर से ये देखिए अच्छे से पक गया है ना, एकदम अच्छे से पक गया। तो इसे ना अभी हम निकाल लेंगे, एक तो मैंने नल चालू रखी हूँ, पाइप भी मैं नीचे से जले नहीं करके। इधर पे मैंने ऑफिस से जो वो टोप में जो हमने चावल को बगा चावल उबाले थे ना, वही टोप को मैंने खाली करके खंगाल के लिए हूँ, बर्तन कहीं के लिए ज्यादा निकले। चलिए अभी एक
अभी इसके अंदर मैं डालूंगी थोड़ा सा घी, है ना। जैसे कि मैंने ये चम्मच से पकड़ो 3 चम्मच घी डाली हूँ। दालचीनी, लौंग और इलायची, दिख रहा है बेटा आगे में? नहीं दिख रहा, दिख रहा है ऐसा है। मैंने एकदम थोड़ा सा, यानी मैंने इसमें जैसे कि आधा कप पानी डाली, आधा कप घी और पानी, है ना, अच्छे तरह से इसमें मिक्स हो जाना चाहिए। देखो एकदम एक हो गया है ना। अभी हम इसमें डालेंगे, गैस को हम स्लो कर देंगे, गैस को स्लो करके हम सारी शक्कर डालेंगे। थोड़ा सा पानी मैंने इसमें इसके लिए नीचे रखी क्योंकि शक्कर हमारी इसके ऊपर चिपके ना। अभी गैस को एकदम स्लो पे कर दीजिए और ये जो हमारा राइस है ये हम इसके ऊपर डालेंगे। देखिए राइस एकदम अच्छे खुले खुले बने। आज थोड़ा गुस्से गुस्से में बनाई हूँ, माशाल्लाह जब मैं गुस्से में रहती हूँ ना तब बहुत टेस्टी बनता है खाना, बहुत टेस्टी बनता है, ये खासियत है मेरी, ऐसे ही टेस्टी बन जाता है। अभी ये मैंने नीचे पानी इसलिए डाली थी क्योंकि लगे नहीं करते इसके ऊपर, है ना। अभी इसे मैं मिक्स कर दूंगी एक बार ऐसे अच्छे से, इसे अभी हम चलाएंगे नहीं, थोड़ी देर बाद इसे हम चलाएंगे, है ना। अभी इसके ऊपर ये थोड़ा सा पानी बचा हुआ है, ये नितरा हुआ, यही मैं इसके ऊपर से ऐसे डाल दूंगी थोड़ा सा, और इसे एकदम स्लो गैस पे हम पका लेंगे, ढक देंगे एकदम मीडियम गैस पे इसे पका लेंगे। कितने मिनट? 5-10 मिनट से इसे हिलाएंगे नहीं। अभी हम इसे बिल्कुल भी चम्मच नहीं मारेंगे, नीचे ऊपर कुछ भी नहीं करेंगे, ऐसे इसे 5 मिनट तक ऐसे पकने देंगे। उसके बाद में 5 मिनट बाद हम इसे नीचे ऊपर करेंगे ना, जब तक जो हमारी शक्कर है ना अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगी, यानी पिघल जाएगी। क्या करते हैं बहुत लोग, क्या करते हैं पहले चावल डाल देते हैं, बघार दे देते हैं, बघार देने के बाद में उसमें चावल डाल देते हैं, चावल डाल के ऊपर से शक्कर डालते हैं, तो क्या होता है चावल जो है ना वो एकदम कड़क हो जाते हैं, बराबर ना थी? बराबर, एकदम सख्त हो जाते। देखो जो खाते हैं तो ऐसा सॉफ्ट नहीं लगते, मुलायम नहीं लगते। तो आप इस तरह से बनाएंगे ना तो आपको अच्छी तरह से सॉफ्ट भी लगेगी, मुलायम लगेगी और खाने में टेस्ट भी अच्छा आएगा। ऊपर से शक्कर मत डालिए, घी जब गर्म होएगा तो घी में हल्का सा पानी डाल दीजिए, पानी और घी एकदम मिक्स हो जाना चाहिए, अच्छी तरह से पक जाना चाहिए। उसके बाद में आप शक्कर डालिए, शक्कर बीज गई उसके बाद में आप चावल डाल दीजिए और उसे थोड़ी देर के लिए दम पे रखिए। जब शक्कर मेल्ट हो जाएगी तो हम उसे आहिस्ते से मिक्स करेंगे। ये एक टिप थी जर्दा बनाने की, जर्दा बनाने की टिप्स है, छोटी छोटी टिप्सों को फॉलो कीजिए, देखिए माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन जर्दा बनेगा। और ऐसे तो माशाल्लाह सब रेसिपी मेरी अच्छी बनती है, मैं अच्छी बताती भी हूँ आप लोगों को, है ना। इलायची पाउडर मैं ऊपर से बाद में डालूंगी, एक बार पहले देखी मैंने, मुझे ऐसा लगा कि इसके अंदर थोड़ा पानी है, ये देखिए ना पानी है। अभी ये पानी को हमें थोड़ा सुखाना है ना, तो थोड़ा ऐसा पानी है ऐसा, तो शक्कर अभी मेल्ट नहीं हुई, टाइम लगेगा।
हल्का सा मैं इलायची पाउडर, जोर से हल्का सा इलायची पाउडर डालेंगे। जोर से आती पता, जोर से बोलो मम्मी, जोर से बोलो। और इसमें मैं थोड़ा सा एक दो बूंद के और ऐसे ऐसे करके हम डाल देंगे। अगर आपको ऐसे नहीं डालना है तो आप जब चावल बॉईल करने रखते हैं ना तभी भी आप डाल सकते हैं ना, इससे खुशबू अच्छी आएगी। आ रही है अभी ना, मिक्स कर दे, एकदम हल्के हल्के हाथों से मिक्स कीजिएगा। तो चलिए अभी इसे एकदम हल्के हल्के हाथों से मिक्स करना है, एकदम ज्यादा ताकत से नहीं। देखिए इसमें पानी है, एकदम हल्के हल्के हाथों से एक बार मिक्स कर लीजिए इसे एकदम आराम से। एकदम हमारे चावल टूटने भी नहीं चाहिए, अच्छी तरह से पकने चाहिए अच्छे से मस्त। तो इधर पे एक पैन लियो मैंने, पैन जब गर्म हो जाएगा ना तो इसके अंदर मैं डालूंगी थोड़ा सा देसी घी ऐसे चला सा। क्या हुआ, ओ सो गए थे? 3 से 4 चम्मच भर के देसी घी डालिए, घी अच्छी तरह से गर्म होएगा ना, तो इसमें हम ये सबसे पहले ये कोको खोबरा डालेंगे, कोकोनट इसे। एकदम स्लो गैस पे बनाना, इसे फ्राई करना, एकदम फास्ट मत रखना तो जल जाएगा, खराब हो जाएगा, फिर आपको तकलीफ होगी डबल से करने की। काजू भी डाल देंगे सारा और बादाम भी डालेंगे, किशमिश को हम बाद में डालेंगे ना। यही लपड़ा रहता है चम्मच यूज करो तो यही लपड़ा रहता है, एक 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 डालो हाथ से, क्या फट 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 डालो, हो गया मिक्स, ऐसे मिक्स कर देंगे। अभी गैस को हम बंद कर देंगे, उसके बाद में डालेंगे किशमिश, इसे भी अच्छी तरह से फ्राई कर देंगे। तो चलिए अभी इसमें से मैं क्या करूंगी, थोड़ा तो मैं ऊपर डार्निशिंग के लिए रखूंगी, थोड़ा जो है साथ ही भी मैं इसमें डाल लूंगी ये चेरी, चेरी डालना तो ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो डालिए नहीं तो स्किप कर दीजिए, आपकी मर्जी आपकी मर्जी। जोर से थोड़ा सा खोआ ऊपर से डालती हूँ, और फिर बाद में थोड़ा सा खोआ मैं ये अभी ये खाली वाला शाम दोपहर में बनाओ तो केला आता है, रात को बनाओ तो खाली आता है। क्या मुसीबत है रे, क्या मुसीबत है दोपहर में, दोपहर में कौन आता है? केला आता है वो केला, वो क्या बोलता है मालूम है क्या? वो ऐसा बोलता है, कैसा बोलता है? गुल केला, मतलब उसका जो केला बेचता है ना गुड़ की जगह मिट्टा है, वो गुस्सा आता मेरे को। आज मैं शाम को वीडियो बना दे, अभी बज रहे 6:30। दोपहर हो गए तो मैं जब तक ग्रीन टी पी लेती हूँ। मज़ दिख रहा है। तो ये देखिए एकदम अच्छे से अभी इसके अंदर जितना पानी था सब सूख गया, बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं है। देखो ये देखिए चावल एकदम मस्त खिले खिले भी बने हैं। अभी ये गर्म है करके, अभी ठंडे होएंगे ना
तो एक एक दाना अलग अलग हो जाएगा, जब ठंडे हो जाएगा तो एक एक दाना अलग अलग होएगा और काफी टेस्टी लगेगा खाने में, है ना। तो चलिए अभी मैं आपको सर्व करके बताती हूँ। बिस्मिल्लाह, ये देखिए कितना बेहतरीन दिख रहा है, देखिए कलर देखिए कितना अच्छा आया, और चावल देखिए एकदम खुले खुले से, अभी गर्म में ही इतने खुले हैं तो ठंडा होने के बाद में कितने अच्छे खुले होंगे। और ये ना एकदम गरम गरम मत खाइएगा, थोड़ा ठंडा होने के बाद में खाइएगा, तो बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। और कैसी लगी आपको मेरी जर्दे की रेसिपी, मुझे कमेंट में जरूर बताना। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही बेहतरीन जर्दा बना है। इसे मिठे चावल भी बोलते, जैसे कि हमारी दादी जब बनाती थी ना तो हम लोग है ना इसे मीठे चावल बोलते थे। आसिफ हाँ। सुन रहे है ना तू? हाँ। जब दादी बनाते थे ना, मेरी दादी बहुत शौक से हमेशा बना, मेरे दादा को ना ये बहुत अच्छा लगता था खाने के लिए। ये जो हमने थोड़ा सा ड्राई फ्रूट बचा के रखे थे ना, ये हम ऐसे ऊपर से डाल देंगे, देखिए देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। ऐसे ड्राई फ्रूट से भरी हुई जब प्लेट रहती है ना तो देख के दिल एकदम खुश हो जाता है। अभी ऊपर से मैं डाल दूंगी थोड़ा सा, मैंने खोआ भी बचा के रखी थी, वो खोआ भी हम ऊपर से डालेंगे। आ हा हा हा, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप लोग भी बनाइए, कमेंट में बताइए आपको ये वाली रेसिपी कैसी लगी। तो बताइए कैसा लग रहा है, मुझे शाबाशी दीजिए, दुआएं दीजिए, प्यार दीजिए, इन सब की मैं सिर्फ मोहताज हूँ, आप लोगों के सपोर्ट की और प्यार की। अच्छी अच्छी कमेंटें कीजिए, मुझे दुआ में याद रखिए, तारीफें कीजिए आपा की, आपा की मत कीजिए, आपा की जो मेहनत है उसकी तारीफ कीजिए। तो चलिए अभी आसिफ थोड़ा शूट कर ले कर रहा है। मस्त, बहुत ही बेहतरीन लग रही है आज की रेसिपी मेरी, है ना आसिफ? मस्त। तो चलिए, तो इस तरह की अच्छी अच्छी रेसिपी की वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना भूलना मत, माय यूट्यूब चैनल अफरोज किचन। और क्या थी, बेल आइकन को, बेल आइकन को क्लिक करना ही मत भूलना न्यू रेसिपी और ब्लॉग देखने के लिए। तो चलिए फिर मिलती हूँ एक आपको अच्छी सी रेसिपी के साथ में और एक अच्छे ब्लॉग के साथ में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखना।